हेलो एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडे वी विल गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टेंसा ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट व्हिच इज रिटन बाय पेब्लो नेरुडा. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पोएट इन द प्रीवियस लेक्चर, दिस इज योर पार्ट टू ऑफ दिस पोयम ऑफ क्लास 12th इंग्लिश. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन that the poet appeals to all the human beings to count up to 12 and then to be completely silence. During this period of silence, he urges the people to remain calm and stop all physical activities. The poet only wants peace and unity, brotherhood. It develops brotherhood also. So he told to stop working and be silent for a moment. Then you can see that the moment will be exotic, cherishable. Now we come to the third stanza. Those who prepare green wars. Here the poet asks everyone to stop those activities. Green wars. What is green wars? Green wars means, here it is refers to the wars on nature like deforestation, environment degradation which is caused by human activities. तो यहाँ ग्रीन वॉर्स जो है वो एनवायरनमेंट एटमोसफियर की बात हो रही है, जो जो इंसान है जो इसको तबाह कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. सो द पोएट आस्क एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. वॉर्स विद गैस. अगेन द पोएट वॉन्ट्स टू स्टॉप वॉर्स ऑल्सो. कौन से वॉर्स? वॉर्स विद गैस. हियर द पोएट रेफर्स टू द वॉर्स एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स. वो जो गैस जो बॉम्ब्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, जो बम्बार्डिंग होती है, वॉर्स होते हैं उसमें इन गैसेस का यूज किया जाता है. वॉर्स विद फायर. बंदूकें रख दो, स्टॉप इट, एक दूसरे को मारो मत, ये सब चीजें छोड़ो. सो टुडे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट विद देयर एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, लेटिंग द केमिकल्स वेस्ट इनटू रिवर्स एटसेट्रा. सो द पोएट आस्क अस नॉट टू डू सो. ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर्स एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव. इससे क्या होगा? कोई भी जिंदा नहीं बचेगा. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं है ऐसी विक्ट्री से कि जिसमें कोई बचे ना. क्योंकि वो कह रहा है, ही सेज, वो ऐसा क्यों कह रहा है? ही सेज सो बिकॉज वॉर्स एंड एनवायरमेंट डैमेज विल लीड टू नो लाइफ ऑन द अर्थ. रादर उसके बाद वो कहता है, वट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. He wants to adopt a new approach towards life and mankind and to realize that killing so many people is not a victory. Wars leave behind no survivor. So he wants all of us to be united. Clean clothes. Here the poet refers the clean cloth as a brotherhood, unity. Or we can say that the poet wants the warmongers, जो war में शामिल होते हैं warmongers, to stop wars and follow brotherhood. तो clean clothes से मतलब है साफ सुथरे रहो, खून क्यों बहा रहे हो? तो थोड़ी देर के लिए शांति रखो ना, ये तो शांति का प्रतीक है. clean clothes, would put on clean clothes, फिर देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना एक दूसरे को जब मारोगे, चाहे वो तुम्हारे enemy ही क्यों ना हो. So the clean clothes symbolizing shedding their evil ways to make peace with their brother.
and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो यही बात मैंने आपको बताई है इससे पहले भी कि clean clothes जो है वो इसको refer कर रहा है कि walk about with their brothers. चलो सब एक साथ मिलकर चलो, एक यूनिटी लाओ, एक ब्रदरहुड लेकर आओ, डेवलप करो इन द शेड डूइंग नथिंग. ऐसा कोई काम मत करो जिससे नुकसान हो. तो पहन लो ऐसे क्लीन क्लोथ्स, वॉर्स मत करो, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ग्रीन वॉर्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे. सो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स हियर. What I want shall not be confused with total inactivity. फिर बाद में पोएट जो कह रहा है, वो कह रहा है, पोएट का कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए टोटल इनएक्टिविटी कर दो. तुम लोग कंफ्यूज मत हो. आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं चाहता हूं कि तुम लोग, तुम्हारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी. ये टोटल इनएक्टिविटी क्या है? तो उसका मतलब कहने का ये है कि हमें हमेशा चलते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर के लिए आराम भी करना चाहिए, चुप रहना चाहिए. हमें फायदा पहुंचता है इन सब चीजों से. ये सब चीजें हमें फायदा पहुंचाएंगी. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. तो लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट. जिंदगी को जियो, खुश होकर जियो, जिंदगी को भरपूर जियो. इट इज नॉट मेंट फॉर वेस्टिंग इट बाय सिटिंग आइडल. तो कह रहा है वो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज मत हो विद टोटल इनएक्टिविटी, कि तुमको ये कह दिया है कि मैंने कि बस हमेशा के लिए बैठ जाओ. थोड़ी देर के लिए बैठ के देखो टोटल इनएक्टिविटी, ऐसा करके देखो तो जिंदगी देखो कितनी अच्छी हो जाएगी. I want no truck with death. Here it is symbolizes, the poet clarifies it that he wants no association with death. वो ऐसा कोई भी खून खराबा नहीं चाहता है कि जिससे ट्रक्स में लोगों की जो डेड बॉडीज है वो लैडन होकर जाए. That the trucks will be laden with the dead bodies of the soldiers. तो ये सारी चीजें वो कहता है. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the world. He does not want us to stop works, but to take some time and analyze the results of our deeds. करके तो देखो ऐसा, analyze करके तो देखो, देखो उसका result क्या आता है. So that is why he wants all of us to keep quiet, because it develops brotherhood, unity and peace. Here I have completed your third stanza. Come to the literary device of the poem. Number one, alliteration. Alliteration, the same sound is repeating in wars with W, W. Sound is repeated here. And clean clothes. C, again C, it is repeated here. So we can say that it is an alliteration. Next literary device is assonance, use of vowel sound O, where victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. This is assonance, kyunki isme vowel sounds use hue hain. Then repetition, use of war in the second line, wars with gas, wars with fire. So here I have completed your third stanza. I will be back again with your fourth paragraph. Thank you.